जेएलएन अस्पताल के सामने भरे बारिश को पानी को लेकर क्षेत्रवासियों में आक्रोश। पानी के निकास के लिए प्रशासन को देना होगा ध्यान। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड 19 के मुश्किल दौर में BA, BEd, BSc, BEd, BA, LLB, BPT, BPharma और BTech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जराना अस्पताल अजमेर। अजमेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल JLN के सामने मुख्य मार्ग पर बारिश का काफी पानी जमा हो जाता है, जिससे निकलने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा मरीज और एम्बुलेंस को भी दिक्कतें आती हैं। इसलिए क्षेत्रवासियों ने पानी निकास के लिए प्रशासन से जरूरी कदम उठाने की मांग की है तथा नालियों की सफाई व उनकी मरम्मत कराने की भी मांग की है। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाई BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशन ओपन BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। देखिए, अजमेर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है JLN हॉस्पिटल, और JLN हॉस्पिटल के आसपास की ऐसी लोकेशन है कि यहाँ पर पूरे आसपास क्षेत्र के सभी लोग आते हैं, गांव देहात से सारे लोग आते हैं। अजमेर संभाग का पूरा जो एरिया लगता है वो मुख्य चिकित्सालय विभाग यही है। तो यहाँ पर एक ये है कि चारों साइड जो है पानी इतना भर जाता है, बरसात के समय में या फिर नाले के समय में इतना पानी भर जाता है कि आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है, मरीजों को परेशानी होती है, एम्बुलेंस को परेशानी होती है। इस पर प्रशासन को विशेष ध्यान देना होगा। प्रशासन इस ओर ध्यान देंगी तो निश्चित रूप से यहाँ का समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि ये मुख्य रोड है और संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है। इसको ध्यान में रखते हुए मैं आपके चैनल्स के माध्यम से मांग करता हूँ प्रशासन से कि इस पानी के लिए कोई सूत्र निकाला जाए या उसका मार्ग निकाला जाए ताकि यहाँ पर पानी की भराव की क्षमता ना पानी भराव की क्षमता ना बढ़ सके। वो यही कारण है कि वहाँ से पानी की निकासी का कोई मार्ग नहीं है। दो घंटे तक, जब तक बरसात बंद होती है उसके 2 घंटे तक पानी भरा रहता है, तो इसका ये कारण है कि वहाँ की निकासी जो है वो सही नहीं है। तो इस पर प्रशासन को विशेष ध्यान देना होगा, उसका निकासी का मार्ग बनाना होगा या अंडरग्राउंड कोई रास्ता निकाल के उसका निकालना पड़ेगा, तभी यहाँ के संभाग के सबसे बड़े अस्पताल के आसपास में लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।